उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा बलरामपुर के गौरा बाजार में किसान व्यापारी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपने को दमदार सरकार बताती है, लेकिन ये दमदार नहीं डरपोक सरकार है। ये दमदार सरकार है। भारत चीन सीमा पर भाइयों में कहना चाहता हूँ, हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, सेनाएं घुसाई है और गांव बसा दिया है। ये दमदार सरकार नहीं है बल्कि डरपोक सरकार है। योगी जी मोदी जी को उधार दे दो बुलडोजर। योगी जी कहते नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे, कहते हैं कि नहीं बताओ? अरे कहां गया बुलडोजर? अभी मोदी जी भी एक दिन आए थे वहां प्रयागराज में, वो भी कह रहे बुलडोजर चला देंगे। अभी योगी जी कहते थे, मोदी जी कहने लगे राम नारायण जोड़ी बहुत बढ़िया जोड़ी है। वो एक आते मुफ्त वैक्सीन, एक आते धन्यवाद मोदी जी। वारे कहां जाए बुलडोजर, चला दो दम हो तो चीन के सेना के ऊपर चला दो बुलडोजर। आज देश की मांग है हमारे मातृभूमि पे कब्जा किया चीन ने, और आप डरपोक दमदार नहीं डरपोक सरकार हो, फुलदिल सरकार। पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का लगातार यूपी दौरा कई मायने रखता है, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है, उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उनको जनता ने इस समय चुनाव के खाते ही लगा दिया, उनकी बात भी सुनने को तैयार जनता नहीं है। इसलिए जनता के बीच में जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करके लोगों में यह भावना पैदा करना चाहते हैं कि अभी वो है, वैसे वो राजनीति समय चुनाव के मैदान में सबसे कम। जहाँ तक इसकी बात है दूसरे सवाल की, इससे हम लोगों पर कोई बहुत प्रभाव उनका, हम बहुत ज़्यादा उनके जनसंदेश से आकर्षित जनता, जो गरीब जनता, जो पिछड़ी जाति की जनता, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है, वो जनता उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। इसीलिए जन संदेश यात्रा निकालकर उनके घरों में जाकर उनको लुभाने की बात। चुनाव पास आते ही विपक्षी दल एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, रैलियां जनसभाएं कर जनता को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जनता चुनाव में किसके पक्ष में जाती है। बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।